मैम क्या पूछा आपने, आवाज जी कट रही थी। बच्चे, मैस्लो की फदर जो काम है, मैस्लो की जो फदर जो उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कंडीशन फॉर अचीविंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि कैसे जो है कि पर्सन अचीव कर सकते, एक सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन कैसे होता है, कौन सी कंडीशंस होती हैं कि जो एक पर्सन जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को क्या है अचीव कर सकता है। ठीक है, कंडीशंस देख लें। द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी इन ऑर्डर फॉर अस टू सेटिस्फाई द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मीन कि अगर फर्दर हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस हैं, उनको अगर हम देखेंगे या सेटिस्फाइड होंगे या उनको उनके अकॉर्डिंग देखेंगे या उनको अवॉइड करेंगे, कैसे जो एक पर्सन जो है सेल्फ एक्चुअलाइज जो होगा ये चीज आ जाती है। फर्स्ट वन है कि जो लाइक वी मस्ट बी फ्री ऑफ कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय सोसाइटी एंड बाय ओवरसाइट, मीन ऐसी जो हमने अपने ऊपर पाबंदियाँ लगाई होती हैं या हमारी सोसाइटी ने या उस पर्सन पे लगाई होती है, उनको जो है उनसे फ्रीली होके लाइफ उनकी उनको देखना भी है, ये नहीं कि उनको इग्नोर करना है। ठीक है, तो उसको देख के उनसे फ्रीली कैसे जो एक पर्सन है अपना टारगेट जो है अपनी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो कैसे जो है अचीव कर सकता है। ठीक है, लाइक जितनी भी आपको लग रहा है कि ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्स्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए, ये सोसाइटी ने लगाई है, जब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे फ्री होके अगर कोई भी काम करेंगे या कोई भी टारगेट को करेंगे वो भी उसका मोटिवेशन है, तो वो तो क्या हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जो है लीड करेगा। फिर अब वी मस्ट बी डिस्ट्रैक्ट बाय द लोअर ऑर्डर नीड, मीन कि जो एक सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन है वो जो है जो लोअर लेवल की नीड लाइक जो फिजियोलॉजिकल नीड उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए इतनी जो है लाइक इम्पोर्टेंस कह लें या इतनी वैल्यू कह लें कि वो इस चीज़ों से जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, जो भी उसका एम है जाओ जो भी उसकी अचीवमेंट लाइक जो भी उसने अकम्पलिशमेंट करनी है जो भी यानी कि उसका टारगेट है, लाइक अगर आप अब्दुस्तार ईदी की एग्जाम्पल लें कि कैसे जो है उनकी डेफिनेटली उन्होंने जो है कोई अपना अच्छा घर नहीं बनाया या लगा ले उसने इतनी सिंपल लाइफ जो है वो स्पेंड की, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, यानी कि अब तो उनका नाम भी है, कि कैसे जो है इन्होंने ये नीड्स को इग्नोर करते हुए एक जो है अच्छे जो है सेल्फलेस पर्सन बने, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए ताकि जो है ह्यूमैनिटी को सर्व कर सके, ये चीज़ आ जाएगी। We must be sure in our self-image and our relationship with other people, and we must be able to love and be love in return. Simply बात है, आप जैसा करोगे वैसा करोगे, अगर आप किसी को respect देंगे तो बदले में भी आपको respect मिलेगा। ठीक है, अगर किसी को आप लव प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है तो आपको बदले में भी यानी कि रिटर्न में भी लव ही देना चाहिए। इस चीज़ को जो है वो भी देखना कि आपके अदर पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसे है। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो देखते हैं कंडीशन कौन सी है। वी मस्ट हैव अ रियलिस्टिक नॉलेज ऑफ आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वर्चुअस एंड वाइसेस, मीन हमारी वीकनेस जो हमारी स्ट्रेंथ जो है जो भी हमारी लाइक ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जितनी भी लगा लें चीज़ें वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक पर्सन को या एक इंडिविजुअल को जिसने जो है इस नीड को जो है मीट करना है उससे रिलेटेड जितनी भी जो है चीज़ें जो उसको पता होना चाहिए कि उसकी अपनी जो सेल्फ स्ट्रेंथ क्या है, उसको अपने बारे में नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा उसकी यहाँ पे वीकनेस है, मुझे यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए, यहाँ स्ट्रेंथ जो है कि उस अपनी स्ट्रेंथ को लेके उसने जो है कैसे इस चीज़ को सर्व करना है, जो अपना मोटिवेशन लेवल जो है वो कैसे इन्हांस करना है या सेल्फ एक्चुलाइजेशन की जो कंडीशन को वो कैसे अचीव करना है, कंडीशन को दे देंगे। ज़रूरी नहीं है कि यही कंडीशन हो एक सेल्फ एक्चुलाइजेशन पर्सन में, इंडिविजुअल बेटा पर्सनैलिटी आप लोगों की जैसे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है तो आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ और हो इसके कंडीशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैस्लो जो थे उसने यही कंडीशन बताई थी कि स्ट्रेंथ का पता हो, जो सोसाइटी ने हम पे जो भी रूल एंड रेगुलेशन लाइक जो भी पाबंदियाँ लगाई हैं उनसे फ्री हो के कैसे काम करना है, और जो है ये लोअर लेवल की जो भी नीड्स हैं उनको जो
कैसे उनसे जो है फुलफिल करके या उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तो जो हमारा टारगेट है, मेरा टारगेट है, वो अचीव हो सके। ये पर्सन का रिलेशनशिप जो है वो बहुत मैटर करते हैं कि आप कैसे जो है आप किसी को रिस्पेक्ट या लव दे रहे हैं, तो रिटर्न में भी जो है आपको लव मिलता, ये चीज आ जाती है। उसके अलावा रियलिस्टिक नॉलेज जो है लाइक पता हो वाकई में कि मेरी ये एक स्ट्रेंथ है, इसके साथ जो है मैं अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करूँगी या करूँगा, या इसके साथ जो है अगर ये मेरी वीकनेस है तो मैं इसको कैसे ओवरकम करूँगी, ये सारी चीज़ें जो आ जाती है। या वर्चुअस एंड वाइसेस लाइक जो भी आपकी लाइक स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, कैसे जो है ह्यूमैनिटी की मैंने आपको एग्जांपल दी अब्दुल तारिक दी थी, इस तरह का एलिमेंट जो है रियलिस्टिक बेस होगा तो मे बी आर यू आर सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन जो है वो बन सको, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट जो मैस्लो ने, ठीक है, मैस्लो लेटर प्रपोज इट सेकेंड सेट ऑफ इनिएट नीड द कॉग्निटिव नीड्स, जिसने कॉग्निटिव नीड्स दी थी, जिसमें टू टाइप ऑफ नीड्स, इनकी टू टाइप ऑफ कॉग्निटिव नीड्स थी, जिसमें टू नो एंड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये चीज़ बताई थी कि कैसे जो है कॉग्निटिव नीड जो है पर्सनैलिटी के साथ लिंक करती है, विच एग्जिस्ट आउटसाइड द हायरार्की विल हैव डिस्क्राइबिंग, कि ये उसमें इंक्लूड नहीं है जो मैस्लो की हायरार्की में जो हमने पढ़ी थी, लाइक इस हायरार्की में ये इंक्लूड नहीं है जो कॉग्निटिव नीड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते कि उन्होंने क्या कि द नीड टू नो इज स्ट्रॉन्गर देन द नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, द नीड टू नो इज स्ट्रॉन्गर देन नीड टू अंडरस्टैंड, नीड कुछ जो है कहते हैं ना कि जानने की जो नीड है, मीन कुछ समथिंग जो भी आपने उसको जानना है या उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने की, ये चीज आ जाती है, पहले आप उसको जानेंगे फिर उसको आप समझेंगे, ठीक है, ये चीज आ जाती है कॉग्निटिव में। एंड मस्ट देयरफॉर बी एट लीस्ट पार्शियली सेटिस्फाइड बिफोर द नीड टू अंडरस्टैंड कैन इमर्ज, ठीक है, अगर जो है द नीड ऑफ जो नो है वो अगर आप सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग की नीड जो है, लाइक अगर आप जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, इन्फॉर्मेशन लेते हैं फिर उसको समझने, लाइक लेक्चर्स लगा लें, ये अदर से दिल की तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, लेकिन आप अदर लगा लें कि अगर आप लेक्चर है उसके बारे में जानना चाहते हैं, डिफरेंट जो थीरीज हैं जब आपको प्रेजेंटेशन टॉपिक्स जो हैं असाइन होंगे, तो आप जो क्या करेंगे उस थीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर उसके बारे में जानना चाहेंगे उसने क्या काम किया, फिर उसको क्या करेंगे अंडरस्टैंड लाइक समझेंगे कि कैसे जो है इसका काम था, कैसे जो है इसकी पर्सनालिटी थीरी जो है लिंक करती है एक पर्सनालिटी के साथ। ऐसे ही मैस्लो का काम है कि कैसे जो है उसने जो है ये पर्सनालिटी थीरी दी थी, इस चीज़ों के बारे में उसने क्या जानने की कोशिश की थी, फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट जो है एविडेंस फॉर द कॉग्निटिव नीड्स, अगर आप लोगों को याद हो कि डिफरेंट जो डिफरेंट थीरिस्ट ने जो है डिफरेंट लेबॉरटरीज में है क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए, एविडेंस बेसिस फॉर द कॉग्निटिव नीड, उनके सेवरल पॉइंट ऑफ एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉग्निटिव नीड, ठीक है, मैस्लो ने कहा था, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है और कि कैसे लेबॉरटरीज में डिफरेंट एनिमल्स के साथ जो है एक्सपेरिमेंट किए गए, डिफरेंट कैसे उनकी कॉग्निटिव जो एबिलिटी देखी गई, ये डिफरेंट तरह की जो है इसकी उसने कहा है कि एविडेंस मिलता है कि जो है कॉग्निटिव नीड वाकई में होती है, कि कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वाकई में होती है, ये ठीक है, कि कैसे जो है हिस्टोरिकल बेस्ड जो एविडेंस मिली थी कि कुछ भी जानने की या किसी भी रिस्क टेकिंग सिचुएशन में कैसे एक जो इंडिविजुअल है सीखता है, यानी कि अंडरस्टैंड करता है या उसको इंफॉर्मेशन लेता है, ये सारी चीज़ें जो है इसको जो है एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद अलावा इन्होंने कहा कि जो इमोशनली हेल्दी एडल्ट होते हैं, ठीक है, लाइक इसमें कि कैसे जो है खुद को जो लाइक इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें कैसे जो है वो खुद को बोर फील करते थे, वो इतनी एक्साइटमेंट के साथ जो है ये चीज़ें नहीं करते थे, इमोशनली हेल्दी पीपल का, रादर देन के जो इमोशनली हेल्दी पीपल नहीं है या उनको इतना ज़्यादा क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी नहीं है कुछ भी जानने की, इस तरह की जो है इसने बताई थी कि इन लोगों में जो है इमोशनली हेल्दी पीपल्स में ज़्यादा जो है जो
एबिलिटी होती है, कॉग्निटिव जो है नीड्स होती हैं, कैसे इस चीज़ इसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे उसके बारे में सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो चीज़ देने. लास्ट में जो लिखा हुआ है कि जो इंटेलिजेंट पीपल्स हैं लीडिंग स्टूपिड लाइफ इन स्टूपिड जॉब, लाइक एक ही जॉब करते रहते हैं लेकिन जिनकी उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो एक क्रिएटिव वर्क कर सके. ठीक है, ये चीज़ उसने मैस्लो ने बताया कि कैसे जो है इंटेलिजेंट खुद को भी क्या कहते हैं ज़ाया कर लेते हैं या कोई भी क्रिएटिव काम नहीं करते, कि अगर उसके जॉब से हट के वो काम करेंगे तो वो चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, या जो भी हेल्दी एक्टिविटीज़ है या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ है उसको कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है, हाउ द कॉग्निटिव अफेक्ट पर्सनैलिटी, कैसे जो है ये पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करती है. डेफिनेटली जो है द नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड अपेयर इन लेटर इन्फेंसी. ठीक है, किस एज में ये अपेयर होती है, लेटर इन्फेंसी में अपेयर हो जाती है, एंड अर्लियर द चाइल्डहुड एंड एक्सप्रेस बाय चिल्ड्रन एज ए नेचुरल क्यूरियोसिटी. लाइक अगर आपने ऑब्जर्व किया हो बच्चे के पास अगर कोई टॉयज आ जाए तो वो उसको गौर से देखता है, उसके बारे में क्या जानना चाहता है और फिर उसको अंडरस्टैंड करना चाहता है. कुछ बच्चे जो हैं टॉयज को तोड़ लेते हैं कि अच्छा इस टॉयज के अंदर क्या होगा, कैसे जो है ये जो गाड़ी है या कोई भी अदर टॉयज है वो कैसे चल रहा था या कैसे उसका जो है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था. ठीक है, because the need are innate, they do not have to be taught. ठीक है, but the action of parents and teacher mean के innate need बताया ना उसने, cognitive need जो है inherited like internal need है जो कि जो है सिखाई नहीं जा सकती, ये चीज़ मैस्लो ने कहा. लेकिन क्या करते हैं कि कुछ पेरेंट्स और टीचर जो क्या करते हैं कि जो उनकी जो स्पॉन्टेनियस क्यूरियोसिटी होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं. लाइक ऐसे ही होता है, टीचर या पेरेंट जो है उस चीज़ से रोक देते हैं कि टॉयज को तोड़ना नहीं है या ऐसी एक्टिविटीज जो है वो नहीं करनी कि जो है टीचर्स को या पेरेंट्स को नहीं पसंद, जिसकी वजह से जो उनकी क्यूरियोसिटी की जो सेंस है वो थोड़ी जो क्या इनहिबिट हो जाती है चाइल्डहुड में. उसके लिए क्या फैक्टर यानी कि अफेक्ट कौन करते हैं, पेरेंट्स और टीचर्स. ठीक है, ये चीज़ों का failure to satisfy the cognitive needs harmful and hamper the full development of the mean. अगर इसको यानी कि अगर parents और teacher इस चीज़ के लिए क्या करें, inhibit कर रहे हैं इसको ऐसे behavior को रोकने के लिए, तो वो कहते हैं कि ये harmful है. ठीक है, लाइक उसकी वैसे बच्चे की अगर जो है डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से, यानी कि ये जो कॉग्निटिव नीड है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी बच्चे की. कैसे जो है वो कॉग्निटिव नीड जो है परफॉर्म फादर अपनी लाइफ में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा. देन एट द हायरार्की ऑफ दीज टू नीड ओवरलैप द ओरिजिनल फाइव नीड. ठीक है, जो अदर फाइव नीड्स हैं ओवरलैपिंग है. ठीक है, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन सेंचुरी फाइंडिंग मीनिंग इन ओवर एनवायरमेंट. नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग बात वही है कि इंफॉर्मेशन लेनी है हमारे एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, कैसे जो है एनवायरमेंट जो है इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट कर रही होती हैं एक इंडिविजुअल पे. कॉग्निटिव नीड में वो जानना चाह रहा है कि कैसे क्या मीनिंग है इस चीज़ की, ये चीज़ आ जाती है. उसके अलावा क्या कर द बेसिक के किस की चीज़ किसके साथ इंट्रैक्शन इन इमोशनली हेल्दी मिच्योर वे टू सेटिस्फाइड माई कज़न. उनकी सेटिस्फाइड नीड है जो फाइव नीड्स थी हायरार्की में, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी बिलोंगिंगनेस एंड लव एंड एस्टीम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसका जो कि लास्ट नीड है उसके साथ इसकी कैसे इंट्रैक्शन है. फिर इसके अलावा इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इफ वी फेयर टू मीट द नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, कीप इन माइंड लास्ट जो पॉइंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इफ वी फेयर टू मीट द नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड. मीन अगर हम इस चीज ठीक है में फेल हैं, लाइक सेटिस्फाइड नहीं है एक पर्सन जो है उस जानने और समझने की उसमें एबिलिटी ही नहीं है कि कैसे इस चीज़ को जानना है या समझना है, तो फिर फर्दर वो क्या यानी कि क्या उसकी डेवलपमेंट होगी. ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो फुली जो है डेवलप नहीं होगी, कि कैसे जो है इसको अंडरस्टैंड करना है, ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट कर रही होती है पर्सनैलिटी पे. जो मोटिवेशन जो है वो इन्हांस कर रही होती है अकॉर्डिंग टू मैस्लो जो है, कि कैसे अगर ये चीज़ मिट नहीं होगी, सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो कैसे बच्चे की जो है पर्सनैलिटी जो है ग्रूमिंग वो रुक जाएगी, या जो जो भी मोटिवेशन लेवल है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है या सेल्फ स्टीम है,
इसमें कि कहीं भी जो है अगर इसमें फेलियर आ जाता है तो हम ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है उसको नहीं अचीव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे इंशाल्लाह हम बाकी जो इसका रिमेनिंग काम है वो इंशाल्लाह परसों पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए।